आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने NPD नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे लेक्चर दिया था कुछ दिन पहले और उसमें मिलियंस में व्यूज आए थे। जॉनी डेप और एम्बर हार्ट का केस बहुत फेमस था। इसमें यह दिखाया था कि मेल विक्टिम्स होते हैं, ठीक है, जो मेल्स होते हैं वो भी डोमेस्टिक अब्यूज के विक्टिम होते हैं और एम्बर हार्ट को सजा मिली थी। जॉनी डेप का, हमारे हीरो भाई, बचपन के हीरो कैप्टन जैक स्पैरो। तो हम आज बात करेंगे नार्सिसिज्म की और कैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आए। इतने कॉल्स आए दोस्तों, मैंने घोस्टिंग पे लेक्चर बनाया, मैंने टॉक्सिसिटी पे लेक्चर बनाया, इतने कॉल्स आए, मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बड़ी, और ज्यादातर शादीशुदा है ना। तो अब मैंने एक काम किया है, देखिए इसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 महीने काम किया है इस कोर्स पे, एडिक्शन मैनेजमेंट, नार्सिसिज्म और टॉक्सिक रिलेशनशिप पे हम एक प्रॉपर सेशन लेंगे। इस पे मैंने साइकोलॉजिस्ट से भी बात की है, काफी किताबें पढ़ी हैं, तो मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको बेनिफिशियल रहेगी। ये जो मैं आपको समझा दूं, ये बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली चीज यू विल बी फाइंडिंग इन द कोर्स। सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज का ये कोर्स है। रिकवरी कूपन कोड यूज करना है आपको, आपको एक्स्ट्रा 25 मिलेगा। आज रात 12 बजे तक ही सेल है, बस दैट्स इट। 1 मार्च से इसकी क्लास स्टार्ट होगी, 3 महीने की वैलिडिटी आपकी 1 मार्च से ही शुरू होगी। तो आप परेशान मत होइएगा कि आज से ही वैलिडिटी नहीं जा, 1 मार्च से ही आपकी वैलिडिटी शुरू होगी। जितनी बार लेक्चर देखिए, लाइव क्लासेस, पूरे लाइव सेशंस होंगे 8 से 10 घंटे, तो ये आपकी जिंदगी बदल देगा। हम सेक्सुअल एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, नार्सिसिज्म, टॉक्सिक रिलेशनशिप, ओपीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सब पे प्रॉपर तरीके से मैथमेटिकली बात करेंगे और आप क्या कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम नार्सिसिज्म की बात करेंगे। और अगर हम बात करते हैं, देखिए नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी कौन होते हैं, ये जीते जागते शैतान होते हैं, है ना। इस कोर्स में मैं आपको अपनी पर्सनल चीजें भी कुछ बताऊंगा कि मैंने भी क्या फेस किया। तो ये जीते जागते शैतान होते हैं, दे आर वेरी वेरी डेंजरस, इनसे आप दूर रहें। ओवर पैम्परिंग की वजह से, बचपन में डिप्रेशन की वजह से, बचपन में इतना अटेंशन ना दिए जाने की वजह से, हर वक्त इच्छा दबाने की वजह से ये डिसऑर्डर जो है वो डेवलप होता है। उनकी भी गलती नहीं होती है। दे आर वेरी चार्मिंग, ये बहुत चार्मिंग होते हैं, दे आर वेरी हैंडसम। अगर लड़के की बात करें तो बहुत ही एकदम अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, लड़की भी है, लड़कियां भी बड़ी चार्मिंग होती हैं और आपको तुरंत अट्रैक्ट कर लेंगी है। और ये इनकी पूरी सोची समझी साजिश होती है। दे आर एक भयानक मैनिपुलेटर्स, ये इतना भयानक मैनिपुलेट कि आपको उस लेवल तक लेके जाएंगे, आप कितने भी टैलेंटेड हो लेकिन उस लेवल तक लेके जाएंगे जब आप खत्म हो जाओगे पूरी तरीके से, और उसके बाद भी आपको छोड़ेंगे नहीं। आप बोलेंगे तुम्हारी ही गलती है, वो बोलेंगे ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम हो ही इस लायक, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, आपको बात बात पे पनिशमेंट देंगे, आपको ये वॉयलेंट भी हो जाता है, और अगर वॉयलेंट नहीं होते तो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। इतने डेंजरस होते हैं, इतने डेंजरस होते हैं कि मेंटली खत्म करके ये दुनिया को बताते हैं कि यही इंसान तो शैतान था, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। पता है आपको, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहे। ये समाज में आजकल बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कैसे पहचाने, साइलेंट ट्रीटमेंट। ये क्या करते हैं, इनको एक, ये बहुत डरपोक होते हैं एक्चुअल में, दे आर वेरी वेरी, दे आर एफरेट, उनको डर लगता है कि, और तो बहुत तरीके के नार्सिसिज्म होते हैं, वो हम बात करेंगे कोर्स में, लेकिन उनको ये डर लगता है कि कहीं, मतलब ओवर द टॉप फीलिंग कि मुझे ही हर जगह रिस्पेक्ट दी जाए, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और ये, इनको ये भी लगता है, फेलियर से इनको डर लगता है, अगर इनकी बातें को उजागर कर दे तो ये डरते हैं। दे आर वेरी वेरी एफरेट, दे आर वेरी वेरी स्केयर्ड पीपल, ठीक है। दूसरों का फायदा उठाते हैं, दूसरों का बुरा, दूसरों की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी सक करते हैं, खींचते हैं, चूस लेते हैं सब कुछ, और उसके बाद आपको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आपकी पॉजिटिव जब एनर्जी खींच ली तो आपके अंदर बचा ही क्या, डार्कनेस। ये डार्कनेस में पलते हैं, ये पिशाच है, ये राक्षस है जो हमारे समाज में घूम रहे हैं, और ये इंसान के रूप में घूम रहे हैं, ठीक है। इनकी भी गलती नहीं है, मैं बता रहा हूं, इनको डिसऑर्डर है, लेकिन दिक्कत यह कि ये कभी उस बात को मानते ही नहीं है। सबसे डेंजरस होता है नार्सिसिज्म, ये कभी भी उस बात को नहीं मानेंगे। हमको लगता है कि शायद बंदे में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, और ये अपनी कमियों का फायदा भी उठाते हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए। आपको, आपको जैसे घोस्टिंग, आपको खूब मारेंगे, खूब पीटेंगे, आपने, आप सोचते रह जाएंगे भाई मैंने गलती क्या की, आपने कुछ भी बोल दिया, नॉर्मल चीज भी बोल दी तो उसमें भी लड़ाई कर लेंगे, और उसके बाद साइलेंट, साइलेंस एकदम, 3-4 दिन बात नहीं करेंगे, फिर आपको लगेगा चलो सब खत्म हो गया, ब्रेकअप हो गया है, उसके बाद इनका तुरंत कॉल आता है, यही तुरंत आपसे बात करेंगे, यही तो, इसी से ही तो, इसी से ही कंट्रोल किया जाता है। और धीमे धीमे ये पैटर्न बन जाएगा और आपको ये चीज अच्छी लगने लगी। ये सबसे बुरा पार्ट है, क्योंकि जब आप
इस दरिया में जाते हैं, इस आग के दरिया में जब आप घुसते हैं ना, तो आपको जलन महसूस होती है, लेकिन जब आप जितना गहरा डूबते जाओगे तो आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, फिर आप इसके बिना रह नहीं पाओगे। जैसे शराब, शुरुआत में शराब आपको दिक्कत करेगी, लेकिन बाद में अगर शराब नहीं मिले तो दिक्कत यही होता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप नार्सिसिज्म में भी यही होता है कि जब इंसान दूर जाता है ना, तो आपको चाहिए वो कि नहीं भाई उसकी गाली मुझे आज क्यों नहीं पड़ी, ऐसा होता है रियलिटी में दोस्तों। तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, ये इंसान खत्म हो जाता है, ठीक है। दिस इज नार्सिसिज्म। जॉनी डेप ने ही फेस किया, अब आप क्या कर सकते हैं। और अब ये अगर रिलेशनशिप है तो ये और डेंजरस है, अगर आप शादीशुदा तो उससे भी ज्यादा डेंजरस है। टॉक्सिक रिलेशनशिप में वही डिप्रेशन, हर वक्त वॉयलेंस, छोटी छोटी बात पे मारना, गुस्सा होना, कभी भी सपोर्ट नहीं करना कितने भी टैलेंटेड हो, कॉन्स्टेंट नेगेटिव एनर्जी, हर चीज में गलती तुम्हारी है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, किसी के सामने बेइज्जत कर देना, हाथ उठा देना, म्यूचुअल अवॉइडेंस, बात बात पे ताने देना, ईगो, हर वक्त अपना ईगो सामने लेके आना, एक्सेसिव जेलसी। नार्सिसिज्म में और टॉक्सिक रिलेशनशिप दोनों में क्या होता है, नार्सिसिज्म देखिए, जब टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है ना कहीं उसमें एक ना एक बंदे को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, दिक्कत होती है कुछ ना कुछ जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है। तो एक्सट्रीम जेलसी का मतलब यही है कि मान लीजिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, यू आर टॉपर, आप टॉपर हैं अपने स्कूल के, और आप जो है वो मतलब आपने कमाल कर दिया, बहुत लोग इससे शायद रिलेट भी कर पाएंगे, कमाल कर दिया मतलब आपको हर कोई पसंद करता है, यू आर द स्टार, बंदा सुपर कूल इस तरीके के हुआ, बंदा या बंदी जो भी है, ठीक है, लड़की है तो आप बहुत ही बढ़िया है ना, एकेडमिक्स में नंबर वन, हर चीज में कोई भी एग्जाम देते हैं तो वो निकल जाता है, कहीं पे भी किसी पार्टी में आप जाता रंग जमा देते हो, हमेशा हंसने खेलते रहने वाले अच्छे इंसान हुआ, दिल आपका इतना प्योर, इतना अच्छा कि हर कोई आपसे इंप्रेस की भाई शादी करेंगे तो यही करेंगे, बस इसी से ऐसा बंदा मिलना चाहिए, बंदी मिलनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, आप टैलेंटेड होने के बावजूद एक इंसान जो कि टॉक्सिक है या फिर नार्सिसिस्ट है उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो। अब मैंने क्या बताया, ये लोग आपको फंसाते हैं, ये लोगों के अंदर कला होती है, बचपन से ही ये प्रोग्राम्ड है, तो ये लोग के अंदर कला होती है दूसरों को मैनिपुलेट करने की, चार्मिंग होते हैं, दे आर वेरी वेरी चार्मिंग, ठीक है, ये अपना बहुत बढ़िया तरीके से ख्याल रखते हैं, और अक्सर इन लोगों में टैलेंट होता है, दे आर वेरी टैलेंटेड, तो आप जो इतने अच्छे हैं इनकी तरफ खींचे चले जाओगे, शुरुआत में बहुत अच्छे रहेंगे, शुरुआत में मतलब कि अरे तुमको कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तुम अच्छे से हो ना, शुरुआत में तो आपकी इतनी केयर करेंगे कि भाई आपको लगेगा इससे अच्छा कोई है ही नहीं, लेकिन धीमे धीमे जब आप इसके चंगुल में आ जाओगे तो अपना असली रंग दिखाना शुरू करते हैं, आपको बात बात में पनिशमेंट देंगे, आपको बदतमीजी गलत तरीके से ट्रीट करेंगे कि भाई साइलेंट ट्रीटमेंट, हर चीज में गलती तुम्हारी, ये करेंगे, और उसके बाद एक हंसता खेलता चेहरा, एक टॉपर, एक हाईली टैलेंटेड इंसान देखते ही देखते खत्म हो जाता है, वो उसकी हंसी कहां चली जाएगी, आप सोचेंगे कि आपके घर वाले बोलेंगे कि बेटा क्या हो गया, तुम तो इतना हंसते खेलते थे तो हो क्या गया, ये होता है नार्सिसिज्म और ये होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप। करना क्या है, सिंपल स्टेप है, देखो एक बहुत बड़े एक्टर है, मैं कोर्स में उनका नाम, मतलब मैंने बहुत सारे केस स्टडी किया, मैं नाम बताऊंगा उनका, ठीक है, यहां बताना सही नहीं रहेगा, वो इसका शिकार थे, इंडियन एक्टर है, बॉलीवुड एक्टर है, तो वो शिकार थे इसका। तो उन्होंने एक चीज बहुत बढ़िया की और जो मैं भी बताता हूं और जो ज्यादातर थेरेपिस्ट आपको बोलेंगे, स्टेप वन, व्हाट इज स्टेप वन, स्टेप वन इज टू रिकॉग्नाइज, पहले आप जितनी जल्द से जल्द रिकॉग्नाइज करो कि भाई कुछ कुछ प्रॉब्लम है अगले में, कुछ दिक्कत है, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, और ऐसा मैं डिजर्व नहीं करता हूं, ठीक है, मैं सबसे बेस्ट हूं, ये आपको, आप अपनी पिछली जिंदगी कंपेयर करो और आपकी जिंदगी कंपेयर करो। अक्सर लोग रिलेशनशिप इसलिए नहीं छोड़ते हैं कि यार मैं कहां जाऊं, उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, ऐसा नहीं है, इससे अच्छा सब कुछ है, भले ही जैसे कई, जैसे कुछ औरतों के पास मेरा फोन आया था, ठीक है, मैंने बात नहीं की बट कुछ एक आध से की, क्योंकि देखिए अब क्या होता है जब बहुत एक्सट्रीम केसेज हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी काफी ज्यादा बिजी रहता हूं, बट जिनसे भी मैंने बात की तो वो उनका एक था कि अब हमारी शादी हो चुकी है तो अब हम क्या करेंगे, अब तो हमारे पास कोई चारा नहीं। तो मैंने आपसे बोला कि एक बात बताइए, मान लीजिए आप छोड़ देती अपने पति को तो इससे तो बेटर ही होगा, मान लीजिए आप कोई काम कर रही हैं, आप छोड़ के अलग रह रही हैं, तो इससे तो कुछ भी बेटर होगा ना, कुछ भी बेटर होगा इससे, तो इससे अच्छा तो अपने मां बाप की गालियां सुन लो, अपने दोस्तों की गालियां सुन लो,
वो आपका भला चाहेंगे, आपको एक गाली देंगे उसके बाद फिर बोलेंगे कि अच्छा तुम ये कर लो, लेकिन यहां तो आप मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, सुसाइड कर लोगे। तो पहली बात आपको रिकॉग्नाइज करना है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड मुझे निकलना है। कितनी भी दिक्कत हो, कितना भी बड़ा इंसान हो, दैट्स इट, इनफ इज इनफ, मैंने बहुत सह लिया। स्टेप टू इज एक्शन। स्टेप टू, देखिए स्टेप वन में आप रोइए कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम फर्म डिटर्मिनेशन करिए। स्टेप टू, डिलीट ऑल थिंग्स, है ना, डिलीट ऑल थिंग्स। और कहते हैं ना कि जैसे मर्दों के लिए बोला जाता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि वॉक अवे, दैट्स इट, वही सबसे बड़ी ताकत है। जब आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही हो, वॉक अवे। औरतों के साथ भी यही है, वॉक अवे, निकल जाओ वहां से, निकल जाओ। ये लोग बहुत डरपोक हैं, आपको लगता है ये आपके, आप इनके बिना नहीं रह पाओगे, एक्चुअली में उल्टा है, ये आपके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि फिर इनको दूसरों के ऊपर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरों को शिकार बनाना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। तो बहुत, ये बहुत आलसी होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बहुत मुश्किल है, और ये अच्छे इंसानों को भी फंसाते हैं, ये भी आपको बता दूं, जो अच्छे होते हैं दिल के। तो अब क्या होगा, वॉक अवे, गेट आउट फ्रॉम दिस, निकल जाओ, जितनी भी बड़ी दिक्कत हो निकलो यहां से, ठीक है। उसके सोशल मीडिया को डिलीट, उसकी फोटोज को डिलीट, हर किसी को डिलीट कर दो उससे रिलेटेड कुछ भी। एक छोटा सा विंडो, क्या इतना चुन्नू सा होल भी आपको नहीं छोड़ना है ताकि वो अंदर आ सके, वो नेगेटिव एनर्जी अंदर आ सके। कितनी भी प्रॉब्लम, आपको बात ही नहीं करनी है, याद रखो, क्योंकि ये लोग बहुत एक्सट्रीम मैनिपुलेटर्स होते हैं। ये क्या करेंगे, ये आपको बहला ले, अगर आप इनसे बात करोगे आपको बहला ले जाएंगे, और क्योंकि आप प्यार में हो तो आप बहल जाओगे। तो इसीलिए पहली बात, स्टेप वन इज टू रिकॉग्नाइज, स्टेप टू निकल जाओ यहां से, दोबारा बोल नहीं, गरिया दो, धर के गरिया दो, मां बहन, हां गाली दे दो मां बहन की, जाओ भागो यहां से। लेकिन आप वापस नहीं जाओगे, अगर आप वापस गए तो खेल खत्म, गॉन, फिर वापस वापसी नहीं है आने की, फिर आप भूल जाओ, ठीक है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले तो डिलीट करो सपोर्ट सिस्टम, अपने दोस्तों से, उन अच्छे लोगों से बात करो जो आपको बहुत सपोर्ट करे, ठीक है। बिजी रहो, जितना हो सके बिजी रहो। कुछ और बहुत जबरदस्त टेक्निक्स है, वो मैं एडिक्शन मैनेजमेंट में बताऊंगा जब हम नार्सिसिज्म की बात करेंगे। कुछ थेरेपीज है, यहां पे बताने में बहुत ज्यादा टाइम भी जाएगा, वो मैं वहां पे बताऊंगा। और कुछ एक्सरसाइजेस हैं, और कुछ ऐसे कहते हैं ना हैप्पी रहने की, जैसे मैंने बहुत ही शानदार, मेरी वन ऑफ द फेवरेट किताब है, ठीक है, बुद्धास ब्रेन करके, तो उसमें खुशी, खुश कैसे रहे, दिमाग को वो जो नेगेटिव चीज है, वो जो न्यूरॉन्स या ऐसा लिंक क्रिएट हो गया है नेगेटिव मेमोरीज का, उसको कैसे खत्म करें, उसको, उसमें भी हम बात करेंगे। तो पहली बात तो एक बहुत बढ़िया सपोर्ट सिस्टम बनाओ, और उस इंसान को दोबारा आने ना दो। एंड स्टेप थ्री, रिलीव योर लाइफ, दैट्स इट, अपनी जिंदगी दोबारा से जियो, वो करो जो तुमको अच्छा लगता है। 3-4 महीने का प्रोसेस है, हो सकता है जल्दी, देखिए आग है, पहले बहुत जल्दी ये आग आपने जलाई ना तो बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा तेज जलती है, और ये केरोसिन वाली आग है कि जलेगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 दिन हो गए ना, तो धीमे 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 कम होती जाएगी और एक समय पे बुझ जाएगी, ठीक है। तो तू नहीं तो कोई और सही, तो कोई और नहीं तो कोई और सही, कोई इश्यू नहीं है, है ना। तो ये चीजें आपको करनी है, स्टेप वन इज टू रिकॉग्नाइज, स्टेप टू वॉक अवे, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो अपना सपोर्ट सिस्टम बनाओ, वो करो जो अच्छा लगता हो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, ये करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर लाइफ बिकॉज यू आर द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ, तो आप ही अपनी लाइफ को ड्राइव कर रहे हो अगर आपने सोचा नहीं है। और देखिए कितना भी कहीं से भी प्रेशर आए कि अरे नहीं रिलेशनशिप मत तोड़ना, शादी मत तोड़ना, भाड़ में जाओ तुम, इतना ही है तो तुम आके रह लो, समाज के लोग बड़ी चिंता करते हैं। समाज देखिए, आप सुसाइड कर लोगे समाज कुछ नहीं करेगा, आपको पता है, समाज और ताने देगा, इन्हीं की गलती होगी 2 दिन बाद। आप अपना सोचो, अपने लेवल पे सोचो, ठीक है, बहुत ज्यादा समाज की चिंता ना करो, क्योंकि समाज जो है ना, वो जैसे फ्रेडरिक नीच कहते थे कि समाज क्या करेगा, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है उसको अपने लेवल पे लाने की कोशिश करता है, तो आप उनके लेवल पे मत जाओ, ठीक है। जो अच्छे लोग हैं, अगर देखो पहचानना कैसे, अगर जो आपका भला चाह रहे हैं, जो आपको अच्छी एडवाइस दे रहे हैं वो बढ़िया है, लेकिन जो आपको नेगेटिव एडवाइस दे रहे हैं उससे दूर हो जाओ, बिल्कुल दूर हो जाओ, कि तुम्हारी भी जरूरत है, तुमको भी, तुमसे भी बात नहीं करूंगा मैं, ये आपको करना है। एंड स्टेप थ्री, अपनी जिंदगी दोबारा से जियो, वो करो जो अच्छा लगता है, डेट करो, प्यार करो, होता है सबकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं, और ये जरूरी भी है, यही तो आपको मैच्योर बनाते हैं। ये मत सोचो इतना टाइम चला गया है, हर किसी की जिंदगी में टाइम जाता है भाई। देखो बर्थ और डेथ, अगर आप इन दोनों चीजों पे को याद रखते हो कि मैं पैदा हुआ मैं मरूंगा, तो आपको बड़ी से बड़ी परेशानी आसान लगने लगेगी, ठीक है। तो ये लेक्चर था, बाकी हमारे कोर्स में हम इसमें बहुत अच्छे से डीपली बात करेंगे, टॉक्सिक रिलेशनशिप और नार्सिसिज्म पे, सिर्फ 300 रुपए का कोर्स है,
मैं जानबूझ के एक प्राइस बहुत कम रखता हूँ, बहुत ज्यादा कम रखता हूँ, ताकि हर किसी को इसका लाभ मिल सके। मेरे 200-200 रुपए के कोर्स आए जब मैंने 30 से 35 घंटे का पर्सनैलिटी ग्रोथ पे सेशन लिया था, वो सिर्फ 200 रुपए का कोर्स है। और अगर आप उसकी बात, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे मैंने सेशन लिया था, तो वो मैंने तकरीबन 100 किताबों का रिव्यू किया उसमें, है ना। तो आप समझिए कि उस लेवल पे आपको अच्छा लगता है, उस लेवल पे आपको शांति मिलती है, बड़ा मतलब वो है, काफी लोगों को फायदा हुआ, तो डेफिनेटली इस कोर्स से आपको फायदा होने वाला है। थैंक यू सो मच।